अगर आप रचनात्मक तरीके से सोशल मीडिया का उपयोग करना व वीडियो एडिटिंग करना सीखना चाहते हैं तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और इसे और मजबूत बनाने के लिए जन सुराज पदयात्रा के कैंप में सोशल मीडिया का जागरूकता कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। जन सुराज की परिकल्पना है कि समाज से सही और सक्षम लोगों को चिन्हित करना और लोकतंत्र में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना। आपके अपने क्षेत्र में जो समस्या है उसको आपसे बेहतर और कौन जानता है, तो इस मुहिम के माध्यम से आप अपने क्षेत्र की प्रगति में योगदान दीजिए। आप जानते हैं कि सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम है जहां से आप एक अच्छी आमदनी, बड़ा नाम, अपनी पहचान बना सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चलाने के लिए जिन भी संसाधनों की जरूरत पड़ेगी जन सुराज आपको उपलब्ध कराएगा। देर किस बात की, इस मौके को भुनाइए, अपना फोन उठाइए और इस नंबर पे कॉल लगाइए। नमस्कार, अभी जनवरी ही है तो आपको 9 वर्ष की शुभकामना भी, हैप्पी न्यू ईयर भी आपको और आपके परिवार को। आप में से जो लोग आए हुए हैं, मेरी समझ है कि आप लोग यूथ क्लब से या जो क्लब का ये जो स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है इससे जुड़े हुए हैं, इसको या तो आप चलाते हैं या उससे जुड़े हुए हैं। आपको 5-7 मिनट में मैं ये बताऊंगा कि ये क्यों बनाया जा रहा है, इसमें आपकी भूमिका क्या है और आप इसके जरिए आगे कैसे बढ़ सकते हैं। हम पूरे देश में जहां भी जाते रहे हैं पिछले 10 साल में, तो जो हमने देखा है, अनुभव किया है कि युवाओं का राजनीति में किस तरह से लोग उपयोग करते हैं या उनका इस्तेमाल करते हैं। लड़के भी जब मिलते रहे हैं तो बताते हैं, उनकी शिकायत भी रही है कि भैया जो युवा है उसका इस्तेमाल भीड़ जुटाने के लिए, धरना प्रदर्शन देने के करने के लिए, जेल भरो, झगड़ा लड़ाई, भीड़ लगाना, स्टेज मंच पर कुर्सी लगाना, झंडा लेकर घूमना, इस तरह की अभियान में, इस तरह के कार्यक्रमों में ही युवाओं की भूमिका होती है, चाहे जिस दल की बात कर लीजिए। तो ये जो पूरी व्यवस्था है इसमें मैंने बहुत सोच समझ के ये प्रयास किया है कि जो नए लड़के हैं जो सामाजिक राजनीतिक तौर पर जागरूक हैं और राजनीति में अपने लिए कोई जगह, कोई भूमिका तलाश रहे हैं, उनको इससे अलग हटके कुछ सकारात्मक उनके द्वारा काम किया जाए ताकि आप अपनी क्षमता के अनुसार जीवन में राजनीतिक तौर पर कुछ कर सके। इसके मूल में जो बात है, जो मेरी समझ है कि जो लड़के नेताओं के द्वारा या दलों के द्वारा ठगे हुए फील करते हैं, महसूस करते हैं कि हमने 10 साल काम किया, भैया हम 10 बरिस काम कोई नहीं, जब हमने अपने लिए कुछ मांगा तो हमको हटा दिए या अपने मेरी जगह किसी अपने चहेते को, अपने घर वाले को आगे बढ़ा दिए। इसके मूल में ये बात है जो लड़कों की नासमझी है कि आपको लगता है कि किसी नेता के पीछे चलने से, किसी नेता के साथ में रहने से आप राजनीति में कुछ कर पाएंगे। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो मेरा अपना अनुभव है, मेरी जो समझ है कि नेता जो है वो आपको समाज बनाता है, कोई दूसरा नेता आपको नेता नहीं बना सकता है, नेता आपको आपका समाज बनाता है। एक बार समाज ने छोटा या बड़ा आपको नेता बना दिया तो ये जो दूसरे दल के लोग हैं या जो बड़े नेता हैं वो आपको वहां से उठाकर एक प्लेटफॉर्म दे देते हैं। मान लीजिए कि गांव के स्तर पे या पंचायत के स्तर पर आप जागरूक हैं, सक्रिय हैं, कुछ हाथ पांव चलाने वाले लोग हैं, 10-20-50 लड़कों को इकट्ठा कर सकते हैं, तो कोई जाता है और देखता, अच्छा यहाँ पर सबसे चलता पुर्जा लड़का कौन है, फिर आपको जोड़ लेता है और किसी अपने संगठन में जगह दे देता है। फिर आप उस संगठन में लग गए, झंडा ढोइए, नेताजी के पीछे घूमिए, जिंदाबाद मुर्दाबाद कीजिए, धरना प्रदर्शन कीजिए और आपका अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है। तो मान लीजिए कि आप कॉलेज में नेतागिरी कर रहे हैं या राजनीति कर रहे हैं, तो नेता तो आपको कॉलेज के लड़के बनाते हैं, आप जीतिए हारिए, छोटे बड़े हो, नेता हो, बड़े नेता हो, नेता तो आपका जो साथी मित्र है वो बनाएगा ना भाई। कोई हमारे जैसा आदमी जाएगा तो देगा, अच्छा पता करो इस कॉलेज में कौन लड़का है जो एक्टिव है, कौन लड़का है जो लड़कों के समूह का नेतृत्व करता है, फिर वहां से उस लड़के को चिन्हित करके
लोग इस्तेमाल करते हैं अपने संगठनों में जगह देके या अपने साथ जोड़कर। तो पहली बात तो आप ये समझिए कि अगर आपको नेता बनना है, राजनीति करनी है, तो आपको अपने समाज में अपनी जगह बनानी है, अपने समाज में अपने लिए प्रतिष्ठा, अपने लिए नेतृत्व की आस्था डेवलप करनी है। प्रशांत किशोर के पीछे चलने से, प्रशांत किशोर का झंडा लेकर घूमने से आप नेता नहीं बन सकते। नेता आपको आपका समाज बनाएगा, आपकी अपनी क्षमता, आपका प्रयास बनाएगा। हम जैसे लोग उसमें थोड़ी मदद कर सकते हैं। इसीलिए ये पूरी व्यवस्था ऐसी नहीं है कि आप यूथ विंग के मेंबर बन जाइए। ज्यादातर दलों में क्या है, युवा प्रकोष्ठ है, यूथ विंग है, उसमें आप जमा हो जाइए, जब नेताजी गए तो भीड़ जुटाइए। हम वो नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि नहीं, जो लड़का जमीन पर नेता बनना चाहता है, समाज में अपनी राजनीति शुरू करना चाहता है, और खासकर ऐसे लड़के जिनके बाबूजी विधायक नहीं है, मंत्री नहीं है, जिसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि पैसे के बल पर राजनीति हो सके, उन लड़कों का हाथ पकड़ा जाए और उनको आगे बढ़ाने में मदद की जाए। इसीलिए ये पूरी क्लब की व्यवस्था बनाई गई है। इसमें आप कर क्या रहे हैं? पहली चीज हम कह रहे हैं कि ऐसे लड़कों को चिन्हित करो जो 10, 20, 25, 50 लड़कों को इकट्ठा कर सकते हैं। तो वो ये पहला चीज दिखाता है कि आप में वो थोड़ी बहुत भी नेतृत्व क्षमता है कि नहीं है। जैसे ही आपने 20, 25 लड़कों का समूह बनाकर एक क्लब का गठन किया, 100 लोगों को जोड़ा, तो आपको एक व्यवस्था छोटी सी दे दी गई, अच्छा कैरम बोर्ड खेलिए, एक वहाँ पोस्टर लगाइए, एक ऑफिस जैसी व्यवस्था खोल लीजिए, ताकि कहीं पर बैठकर आप एक छोटा मोटा अपना ऑफिस का संचालन कर सके, लोगों को पता हो कि आपसे मुलाकात कहाँ से होगी। कैरम बोर्ड खेलने से कोई नेता नहीं बन सकता है। कैरम बोर्ड आज है कल नहीं रहेगा, टूट जाएगा, लोगों का इंटरेस्ट आज है कल नहीं रहेगा, 4 दिन लड़के खेलेंगे, 10वें दिन से नहीं खेलेंगे। ये कैरम बोर्ड खेलना, कैरम बोर्ड बांटना, ये क्लब का अभियान नहीं है। क्लब का ये स्टेप बना हुआ है। हमको कैसे पता चलेगा कि बिहार के हर गांव में किस लड़के में क्षमता है, उसको जांचने परखने का एक ऑब्जेक्टिव तरीका है। आप हम आपको व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि ये लड़का है जिसने 100 लड़कों को एक साथ इकट्ठा किया है। उन 100 लड़कों में आप लड़कों ने मिलकर आपको अध्यक्ष चुना है, किसी को सचिव चुना है, किसी को सोशल मीडिया प्रभारी चुना है। तो हमको आपको जानने की जरूरत नहीं है, व्यवस्था अपने आप बता देती है कि किसमें क्षमता थोड़ी है, किसमें नहीं है। ये पूरी चीज को शुरुआत के लिए जो क्लब आप खोल रहे हैं उसका एक तरह से आपका ऑफिस खुलवाया जा रहा है। अब ऑफिस में एक फोटो लगा हुआ है, एक संविधान की प्रस्तावना लगी हुई होगी, कैरम बोर्ड रखा हुआ है, कल होकर उसमें वॉलीबॉल हो जाएगा, क्रिकेट का किट हो जाएगा, ताकि जो बच्चे आपके साथ वहां आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनके मनोरंजन के लिए, रिक्रिएशन के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था आप कर पाए। अभी लोगों ने कहा भैया इंडोर सिस्टम है, ऑफिस में बैठने की बात है, तो कैरम बोर्ड कीजिए। अब दूसरे चरण में उसमें अगर गांव में है कि भैया लोग वॉलीबॉल खेल रहे हैं, कोई कह रहा है क्रिकेट खेल रहा है, वो व्यवस्था की जा रही है ताकि वो किट जाए, ताकि आप बच्चों को खेलकूद के माध्यम से अपने गांव में युवाओं के बीच अपनी कम से कम पहचान तो बनाइए कि भैया ये संजय कुमार हैं जो क्लब चलाते हैं, ये 20-25 लोग लड़के यहाँ बैठते हैं जो खेल वाला काम कराते हैं, जिससे जाकर हम बैट बॉल लेके क्रिकेट खेल सकते हैं। तो ये पहला चरण है, पहला स्टेप है, जिसको आप पहले 1 महीने में ही कर सकते हैं। जो लड़के होशियार हैं, एक्टिव हैं, जागरूक हैं, पहले 10-15 दिन में ही इसको कर लेता है। जैसे ही ये हो जाएगा तो आपके पास वो सुविधा आ जाएगी हर 3 महीने पर एक खेलकूद की प्रतियोगिता कराने का। जैसे अभी पश्चिम चंपारण में सारे क्लब के लोगों ने मिलकर तय किया कि हम लोग पूरे पश्चिम चंपारण में दौड़ की प्रतियोगिता कराएंगे। तो हर पंचायत में 20-25-30 लड़के दौड़ रहे हैं, दौड़ कर जो पहला, दूसरा, तीसरे नंबर पर आता है उनको प्रोत्साहन राशि कुछ दी जाती है। फिर हर पंचायत के लड़के प्रखंड के स्तर पर दौड़ेंगे, प्रखंड के स्तर जिले पर दौड़ेंगे। तो एक ये व्यवस्था है कि खेलकूद के लिए, बच्चों के खेलकूद की प्रतियोगिता के लिए हर 3 महीने पर जन सुराज की व्यवस्था और संसाधन के उपयोग से आप अपने पंचायत, प्रखंड और जिले के स्तर पर कोई ना कोई प्रतियोगिता का आयोजन करा सकते हैं। मान लीजिए कि पहले 3 महीने में हम लोगों ने दौड़ की प्रतियोगिता की और उसमें कोई 10,000 लड़के पूरा जिला मिलाकर दौड़े, उसमें 500 लड़कों को कुछ ना कुछ प्रोत्साहन राशि मिली, कुछ रोजगार, कुछ इनाम मिला, किसी को जूता मिला, किसी को ट्रैक सूट मिला, तो उससे लड़कों में थोड़ी जागरूकता भी आएगी और आप लोगों का, आपकी मदद, आपकी पहचान भी उनके बीच में बनेगी। तो हर और दूसरे महीने, तीसरे महीने, 3 महीने में दौड़ हुआ तो 3 महीने के बाद क्रिकेट का प्रतियोगिता हो सकता है, 3 महीने के बाद वॉलीबॉल हो सकता है, कबड्डी हो सकता है। तो हर 3 महीने पर क्लब के पास, आपके पास ये अवसर है
कि आप प्रतियोगिता आयोजित कर सकते हैं खेलकूद की एक, और उसके लिए आपको खाली नीचे की व्यवस्था करनी है, पैसा साधन प्रोत्साहन राशि वो सब सारी व्यवस्था जनसुराज आपको करेगा। क्लब एक एक करके नहीं, लेकिन जो प्रखंड के स्तर पर आप लोग चुन कर आएंगे, आप जो मिलकर तय करेंगे, जैसे पूर्वी चंपारण में लोगों ने तय किया कि भैया ये जो जिला के स्तर पर जीतेगा उसको 21,000 रुपया मिलना चाहिए, जो सेकंड आएगा उसको 11,000 रुपया मिलना चाहिए। आप लोग ही मिलकर तय करते हैं कि भैया ये जो प्रतियोगिता होगी इसमें 100 लड़का जो आएगा उसको ट्रैक सूट दिया जाए तो ट्रैक सूट दिया जाएगा। तो सारी प्रतियोगिता का जो डिजाइन है और उसकी जो प्रोत्साहन राशि है, प्रोत्साहन के लिए सर्टिफिकेट है, कपड़ा है, गिफ्ट है, जो भी है, ताकि उसमें लड़के पार्टिसिपेट कर सके, ये जनसुराज आपको क्लब के माध्यम से देता है। आपको उसका इस्तेमाल करके अपना दायरा बढ़ाना है पंचायत में। आज आपके साथ अपने प्रयास से 25 लड़के जुड़े हुए हैं, 100 लड़के जुड़े हुए हैं, वो कल आप खेल की प्रतियोगिता कराएंगे तो 50-100 लड़के और जुड़ जाएंगे, दूसरा क्रिकेट कराइएगा तो उससे और 100 लड़का जुड़ जाएगा। प्रयास ये है कि अपने पंचायत में आपके पास हर क्लब में 200-250-300 लड़के जुड़े रहें। क्यों जुड़े रहें? क्योंकि यही आपको आगे जब आप राजनीति करना चाहते हैं तो यही आपकी सेना बनेगी, यही आपकी ताकत बनेंगे। दूसरा, खेलकूद के साथ जो आदमी भी 3 महीने में पहली प्रतियोगिता जो क्लब के लोग करा पाएंगे उनको दूसरी सुविधा दी जा रही है कि आप अपने गांव अपने पंचायत में गरीब बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था कर सकते हैं अपने क्लब पर। मान लीजिए कि आपके पंचायत में 20 परिवार ऐसा है जिसका बच्चा कोचिंग करने के लिए आप इकट्ठा कर देंगे 20 बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो 20 बच्चे आकर क्लब पर पढ़े। ये स्कूल नहीं है, ये टीचर का बहाली नहीं है, लेकिन 20 बच्चों का जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उनको बेसिक भी जानकारी नहीं है कि यहाँ स्कूल व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। तो आपके माध्यम से आपके पंचायत आपके गांव में 10-20 परिवार का बच्चा भी आकर अगर 1 घंटा डेली वहां क्लब पर पढ़ेगा तो उसकी व्यवस्था जनसुराज से की जाएगी। और व्यवस्था का मानदंड यह है कि आपने पहला स्टेप पूरा किया हुआ हो, कम से कम 100 आपके एक्टिव मेंबर हो, आपका चुनाव हो गया हो, आप चुनकर वहां के लीडर हैं, एक खेलकूद की आपने 3 महीने में प्रतियोगिता पूरी कर ली है, उन सारे क्लबों को ये अवसर है कि वो अपने लोकल स्तर पर किसी एक व्यक्ति किसी एक युवा को चिन्हित करें जो आपके गांव में आपके माध्यम से गरीब बच्चों को पढ़ाए। वो पढ़ाएगा तो मान लीजिए कि मार्केट में पढ़ाने के लिए 2 घंटे के लिए 1,000 रुपये लेता है, आपको तय कराना है कि जो मार्केट में उसका रेट है उससे वो आधे में कम से कम पढ़ाए, क्योंकि वो आपकी भी वो नेतृत्व क्षमता है कि भाई ये समाज के लिए काम है, 2 रुपये कम में करो, और जो पैसा होगा वो पैसा आपको जनसुराज के माध्यम से बैंक के अकाउंट में आएगा और उसको आप पैसा दीजिएगा। लेकिन ये नौकरी नहीं है, वो पढ़ाएगा, जितना दिन पढ़ाई ठीक कराएगा उतना दिन रहेगा, नहीं रहेगा तो फिर दूसरा आदमी रखा जाएगा। तीसरी बात, जब ये दोनों आप कर पाइएगा तो इसके बाद जो क्लब ये स्टेप को पार कर ले लड़के, उनको ये अवसर है कि वो अपने समाज में दूसरा काम भी कर सकते हैं। कोई समाज अपने यहाँ मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा सकता है, कोई वहां पर सामूहिक विवाह के लिए लोगों की मदद कर सकता है। तो जैसे जैसे आप अपनी कार्य क्षमता दिखाएंगे, आपके जरिए समाज की मदद होगी, लोगों में आपकी पहचान बनेगी, आपके लिए लोग अच्छी सोच रखेंगे, आपकी मदद से समाज की मदद होगी, तो उससे जनसुराज भी बढ़ेगा। आपको प्रशांत किशोर जिंदाबाद नहीं करना है, आपको हमारा फोटो लेके नहीं घूमना है, आपको अपने समाज की मदद करनी, अपनी पहचान बनानी है। आपको मुखिया बनना है, आपको BDC लड़ना है, आपको वार्ड सदस्य लड़ना है, आपको छात्र नेता बनना है, तो आप जिस समाज में रहते हैं उसके लिए क्लब के माध्यम से ये सब काम कीजिए। जैसे ही आप 200-400-500 संख्या आपकी हो जाएगी तो उसके बाद आप देखिएगा कि जो लाभार्थी हैं आपके पंचायत में, मान लीजिए जितना वृद्धा पेंशन वाले लोग हैं उसको आप एक सर्वे करके चिन्हित कर लीजिएगा कि 10 को ऐसा है जिसको नहीं मिल रहा है, तो मुखिया जी लोग हैं वो भी ज्यादातर जुड़े हुए हैं जनसुराज से, वो भी आपको जानता है, उससे जाके उसकी मदद करा सकते हैं। मान लीजिए कि नहीं जुड़ा हुआ है तो 400 लड़का आपके पास है तो आप दबाव भी उस पर बना सकते हैं, हम लोग भी कह सकते हैं भाई कि वहां क्लब वाले लड़कों ने चिन्हित किया है 4 आदमी को, उसको दीजिए, नहीं दीजिएगा तो हल्ला होगा। आपकी क्षमता धीरे धीरे बढ़ जाएगी, जब 500 लड़के आपके साथ आने लगे तो कल होके किसी अधिकारी को सामने आप बैठ के भी अपना काम करा सकते हैं, उसको मालूम है कि इसके साथ 500 लड़का है। कई लड़के ही कहते हैं भैया आप हमारी क्या मदद कीजिएगा, हम मदद आपकी ये करेंगे कि आपकी मदद करने की क्षमता खुद में विकसित हो जाए। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत यह है जिसके पास जनता का सपोर्ट है, पैसा सपोर्ट नहीं है। प्रशांत किशोर कितना बार फोन करेंगे, लेकिन अगर आपकी क्षमता हो जाएगी 1,000 लड़के आपके पीछे खड़ा हो जाएंगे तो कोई अधिकारी कोई जनप्रतिनिधि आपको इग्नोर नहीं कर सकेगा।
तो ये प्रयास है कि साल भर का एक जो प्रक्रिया है, साल भर के अंदर आप में वो क्षमता, आपकी काबिलियत के आधार पर, आपके योग्यता के आधार पर, आपके भूमिका, आपने कितनी मेहनत की इसके आधार पर हो, और फिर उसका आगे उसको बढ़ाया जाए। अभी जब आप इससे जुड़ते हैं, दो बात और होती है, क्लब में जो लड़के जुड़े हुए हैं, आपका अभी चुनाव होगा, सारे पंचायत को क्लब को चलाने वाले लड़के मिलकर प्रखंड के स्तर पर अपने दो लीडर्स का चुनाव करते हैं 6 महीने के लिए, वो आप में से ही कोई होगा। और वो चुनाव जब मैं जिले में एक जगह बैठूंगा गोपालगंज में, मेरे सामने होता है, वही दो लड़के आगे 6 महीने के लिए सारे क्लब को चलाने का जिम्मेवारी उन पर आएगी। मान लीजिए कि यहाँ पर 14 गो या प्रखंड बा, तो 28 आदमी हो गया, 28 आदमी का जिले का एक काउंसिल हो गया जो कि इसे सारे क्लब का संचालन करेंगे। इसके साथ साथ हर वो व्यक्ति जो इससे जुड़ रहा है उसकी ये जिम्मेवारी है और उससे ये अपेक्षित है कि आप लिख कर दीजिए कि आप खुद क्या बनना चाहते हैं। ये नहीं होना चाहिए कि भैया हम तो प्रशांत जी का ये काम किए, हमको कल बुर्बक बना दिए। आपको लिख के देना है कि भैया हमको 3 वर्ष के बाद वार्ड सदस्य लड़ना है, हमको BDC लड़ना है, आप जो लड़ना चाहते हैं, जो अपने जीवन में करना चाहते हैं, हमको उससे कोई रोक नहीं है, हम उसी के अनुसार आपको क्या करना है वो बताएंगे। करना नहीं करना वो आपकी क्षमता पर है। हम किसी के पास, हमारे पास योग्यता नहीं है कि हम बताएं कि आपको BDC लड़ना चाहिए, कि आपको वार्ड लड़ना चाहिए, कि आपको मुखिया लड़ना चाहिए। वो तय करना आपका काम है, लेकिन जो भूमिका आप अपने लिए सोचते हैं कि 3 वर्ष में भैया हमको मुखिया बनना है, तो हम उसी के अनुसार आपके क्लब की जवाबदेही तय करेंगे कि आपके क्लब में और क्या करना है। जैसे मान लीजिए कि आपने तय किया कि हमको मुखिया बनना है, मुखिया का भैया हमको चुनाव लड़ना, हमारी मदद कीजिए, और आप पंचायत में एक क्लब चलाते हैं, तो एक वो क्लब चलाने से तो पंचायत का 7 गांव कवर नहीं होगा। तो स्वाभाविक तौर पर जब आप हमसे मिलिएगा, उसके बाद हम बुलाएंगे, तो आपसे कहेंगे कि 7 पंचायतों में, पंचायत के 7 गांव में एक एक क्लब खोलिए, तभी तो होगा। तो खोलिए मतलब आप, हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन खोलवाने की व्यवस्था तो आपको दौड़ के करनी पड़ेगी। आप कहिए कि हमको भैया विधायक लड़ना है, लड़िए, हमको क्या दिक्कत है, लेकिन फिर विधायक लड़ना है तो आपको 200 पंचायत का काम करना पड़ेगा। कोई MP कहता कि यार भाई हमको MP लड़ना है, भाई MP लड़िए, हमको क्या दिक्कत है, आप लड़िए 2000 में पंचायत में काम कीजिए। ये जैसे आपने देखा होगा दिल्ली बॉम्बे वगैरह में बड़े बड़े शहरों में मैराथन होता है, 40 किलोमीटर की दौड़ है, कोई नहीं पूछता है कि आप 40 किलोमीटर दौड़ सकते हैं कि नहीं, उसका कोई परीक्षा नहीं है, सबको दौड़ने की स्वतंत्रता है। जिसकी क्षमता है वो 2 किलोमीटर दौड़ेगा, कोई जाके 5 किलोमीटर पर रुकेगा, कोई 1000, कोई 10 किलोमीटर पर रुकेगा, कोई 40 किलोमीटर दौड़ेगा, कोई जीत कर आएगा। हमारे पास ऐसी कोई योग्यता नहीं है, हमारे पास कोई दूरबीन नहीं है कि हम देख के बता दें कि आप विधायक बनने की योग्यता रखते हैं कि वार्ड लड़ने की योग्यता रखते हैं। ये तय आपको करना है। हम आपको इतना ही उसमें गाइडलाइन दे सकते हैं कि आप जो भी 3 वर्ष में 5 वर्ष में बनना चाहते हैं उससे एक कैटेगरी नीचे लड़िए। अगर आपको लगता है कि आप मुखिया लड़ सकते हैं तो आप BDC या वार्ड लड़िए। इसके पीछे थिंकिंग ये है, सोच ये है, मान लीजिए कि 60 किलो वजन की कुश्ती है और 80 किलो वजन की कुश्ती है और आपका वजन है 65 किलो, तो आप 60 लड़िएगा कि 80 लड़िएगा? 60 लड़िएगा, क्योंकि लड़ के जीतना है। लोकतंत्र में लड़ने की कोई बहादुरी नहीं है, लड़ने को तो आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ जाइए, लड़ने वाले को कोई नहीं पूछता है, लड़कर जीतने वाले की इज्जत है। लड़िए तब जब जीतने की पूरी तैयारी हो, क्योंकि एक बार मुट्ठी खुल गया तो कहानी खत्म। मान लीजिए कि आप आया लड़ गए सीधे MP, हमको लड़के मिलते कहते भैया MP लड़े थे, 2500 वोट आया था, तो आपका औकात दिख गया, तो आपको कोई जीवन में गंभीरता से नहीं लेगा। जानता है कि आदमी बुर्बक है, ऐसे ही लड़ गया, 2500 वोट आया। उसके मुकाबले कोई अगर 2 बार से वार्ड सदस्य जीत रहा है तो उसके लिए ज्यादा इज्जत है, क्योंकि मुझे ये समझ आ रहा है कि आदमी समझदार है, इसको मालूम है कि लड़ के कैसे जीता जाता है, बजाय इसके कि पर्चा डाल के पूछते काहे लड़े, ए भैया बस लड़ने का मन था। तो लड़ने का मन था उससे लिए अगर आप लड़िएगा तो उसके लिए व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्था उसके लिए हम बना रहे हैं जो लड़के एकदम दृढ़ संकल्पित है कि हमको 3 वर्ष में ये करना है और उस लक्ष्य के प्रति पूरी तरीके से ईमानदारी से लगे हुए हैं, तो आपको हम काम भी देंगे, मदद भी करेंगे, समझाएंगे भी, सिखाएंगे भी, और जब आप वहां पहुंच जाइएगा गोल पोस्ट के नजदीक तो अपनी पूरी ताकत भी लगाएंगे कि आप वहां जीत कर आइए। लेकिन जो काम अपने लिए आप तय कीजिएगा
उसी के अनुसार जिम्मेवारी भी आपको मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप क्लब चला रहे हैं एक पंचायत में और कहिएगा कि हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़िएगा तो लोकसभा के सारे पंचायतों में आपको क्लब की व्यवस्था बनानी पड़ेगी। ये तो बात स्वाभाविक है, क्लियर है। तो आपको इस क्लब से जुड़ने के बाद ये स्वतंत्रता है कि आप अपना क्लब व्यवस्थित कीजिए, चुनकर उसमें आइए और जो भूमिका आप अपने लिए बनाना चाहते हैं, जैसे जैसे आप काम कीजिएगा, पीछे से हमको वो कंप्यूटर पर आपका फाइल खुला हुआ है वो दिख रहा है कि आप कितना ताकत लगा रहे हैं, कितना आप पॉपुलर है, आपका सर्वे में गांव वाले आपके लिए क्या कह रहे हैं, वो सारी जानकारी हमको धीरे धीरे अपने आप आती रहेगी। आप कीजिएगा तो हमको आपसे मिलने की जरूरत नहीं, आपको स्वयं से हम बुलाकर मिलेंगे। पश्चिम चंपारण से जो लड़के हैं उनको हम खुद ही से बुलाकर मिल रहे हैं कि भाई फलाना आदमी ने कहा है मुखिया बनेंगे, उसको हम बुलाते हैं, उससे बात करेंगे, उसको सिखाएंगे, उसको बताएंगे, उसको काम देंगे, उसका फॉलोअप होगा, उसके साथ लोग लगेंगे। लेकिन करना आपको है ना, आपको हमारा झंडा लेकर चलना है ना हम आपका झंडा लेकर चलेंगे, आपको अपना झंडा लेकर चलना है। अपने समाज के लिए कुछ कीजिए, अपने लिए जगह बनाइए। अगर आप में जज्बा है, काबिलियत है और 10 घंटा मेहनत करने के लिए आप तैयार हैं तो आप जीवन में कुछ भी बन सकते हैं। और हम ये आपको सिखा नहीं रहे खाली, हम खुद भी यही कर रहे हैं। कई आदमी कहता भैया हमारे पास पैसा नहीं है, कोई कहता हमारे पास पद नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम तो किसी का सड़क नहीं बनवा रहे हैं, कोई पुल पुलिया नहीं बनवा रहे हैं, किसी को एक रुपया दे के मदद नहीं कर रहे हैं, हम खाली गांव गांव जा रहे हैं। तो अगर राजनीति करनी है तो एक लाइन सबसे बड़ा हथियार है, जिस समाज का नेतृत्व करना चाहते हैं उस समाज के लिए अपने आप को उपलब्ध कराना कि 24 घंटा आप पहले अवेलेबल होइए। जिस पंचायत में आपको मुखिया ही करना है, आप वहां पंचायत में रह ही नहीं रहे तो कैसे मुखिया ही कीजिएगा। लेकिन जो लड़का कुछ नहीं है, मरला जियला, बीमार पड़ रहा, कोई बीमार पड़ गया, किसी का एडमिशन कराना है, किसी का फार्म कराना है, किसी को ब्लॉक में जाना है, अगर आप शरीर से उपलब्ध हैं तो अपने आप धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाएगी और क्लब के माध्यम से उसको थोड़ा तेजी से आप कर पाइएगा, व्यवस्थित तरीके से कर पाइएगा, बड़े स्केल पर कर पाइएगा। तो जो काम आप अपने अकेले साल भर में कर सकते थे वो क्लब के जरिए आप संभव है कि 6 महीना में कर लीजिए। लेकिन कर वही पाइएगा जो आपकी क्षमता है। हम कोई आपको मुंह में घोल के पिलाने वाले नहीं है, हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, आप उसमें अपने हिसाब से ईमानदारी से चलिए, सीखिए, समझिए। हम आप जितना उड़ सकते हैं आपकी ताकत पर है, आप जितना उड़ सकते हैं हम रोकेंगे नहीं। मेरा ये विश्वास है कि बिहार में से हजारों जो क्लब खुलेंगे इसमें से कई हजार लड़के आगे मुखिया जीत कर आएंगे, कई हजार लड़के BDC बनेंगे, कुछ लोग इसमें विधायक भी 2-4, 5 साल, 10 साल में बनेगा। लेकिन सब नहीं बनेंगे, वो व्यवस्था है कि जाति के आधार पर नहीं, परिवार के आधार पर नहीं, आपके बाबूजी कौन है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है कि जिस लड़के में क्षमता है, जो समाज के लिए ईमानदारी से कुछ करना चाहता है, योग्यता है, वो काम कीजिए, समाज की मदद कीजिए, आपका नाम वहां से आएगा, आप वहां पर दिखेंगे काम करते हुए, समाज इस बात को मानेगा कि नहीं ये लड़का बहुत समझदार है, समाज के लिए जीता मरता है, तो अपने आप हम आपकी मदद करेंगे। जन सुराज में जो हम लोग कह रहे हैं कि अगर बिहार में व्यवस्था बदलनी है तो हजारों अच्छे लोग वार्ड सदस्य जीत कर आने चाहिए। 1,15,000 वार्ड सदस्य जीत कर आता है, 15,000 सरपंच और मुखिया जीतते हैं, 12-15,000 समिति जीतता है, इतने जिला पार्षद जीतते हैं, तो इतनी बड़ी संख्या में लड़के आएंगे कहां से? ये आएंगे इस नई व्यवस्था से। और कल आपकी सत्ता में आप रहेंगे तो जो आज वार्ड सदस्य है आज छोटा दिख सकता है, अगर कल सत्ता है तो आज मुखिया के बराबर कल दिखेगा, इसलिए कि उसको उतना हम लोग विकेंद्रीकरण के जरिए इतना उसको संसाधन, उतना पावर उसको देंगे। तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, आप अपने क्लब को जहां शुरुआत की इसको सीखिए, 10 दिन 1 महीना में इसको स्टेबलाइज कर लीजिए, उसके बाद आप जो स्वयं करना चाहते हैं वो बता दीजिए और अपनी भूमिका लेकर इसमें आगे बढ़िए। जो लोग भी इसमें रहेंगे आगे उसको चुन कर ही रहना है, चुनाव ही प्रक्रिया है, हम किसी को आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। आपस में जो पंचायत में जो क्लब, अच्छा जो 3 अलग अलग क्लब हैं उसमें कोई फर्क नहीं है, उसकी सुविधा में, उसकी व्यवस्था में, कौन उसमें से चुन कर आएगा, ये जातीय आधारित व्यवस्था नहीं है। वो व्यवस्था सिर्फ इसलिए बनाई गई है कि जो टोले हैं, जो पंचायत हैं, उनकी संरचना ऐसी है कि दलित बस्तियां अलग हैं, तो ऐसा न हो कि दलित बस्तियों में कोई क्लब ना हो, इसलिए वो क्लब की व्यवस्था अलग से की गई है।
ऐसा नहीं है कि अंबेडकर क्लब में कोई खाली दलित ही रहेगा, ये हर वो व्यक्ति खोल सकता है, हर वो व्यक्ति जुड़ सकता है जो इसमें जुड़ना चाहता है। मोटे तौर पे ये बात है, आप इसको कीजिए, देखिए, सीखिए, समझिए और पीछे इसमें आप जुड़े रहिए। आप व्हाट्सएप से जुड़े हुए होंगे, जो पदाधिकारी चुनकर आए हैं उनके लिए अब धीरे धीरे मैंडेटरी हो जाएगा पीके कनेक्ट, इसलिए मैंडेटरी हो जाएगा क्योंकि जैसे जैसे हम यात्रा में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपसे हमारा फिजिकली मिल पाना आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि हम तो यात्रा में, मान लीजिए भागलपुर में बानी, आप भागलपुर तो आ नहीं पाइएगा, लेकिन पीके कनेक्ट ऐप के माध्यम से ये मीटिंग वहां पर हो सकती है। और ज्यादातर लड़के जो क्लब में है सब स्मार्टफोन चला रहा है, व्हाट्सएप पर है तो आपके पास इंटरनेट है, तो आपसे ये मुलाकात होती रहे, आपसे बातचीत होती रहे, इसके लिए जरूरी है कि आप वो ऐप पर रहिए, ताकि कल हो कि आपने लिख दिया कि बीडीसी हमको लड़ना है तो आपसे हमारी बातचीत कैसे होगी, फोन पर तो बात हो नहीं सकती है। तो जितने लड़के बीडीसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या बीडीसी बनना चाहते हैं उन सब का समूह में मैं उनसे मिलता हूं, तो इसके लिए जरूरी है कि आप पीके कनेक्ट ऐप पर रहिए। जैसे जैसे इसमें आप कीजिएगा आपसे मैं मिलता रहूंगा, आगे जुड़ता रहूंगा। आगे एक और जो सवाल लोगों का रहता है, भैया आपसे अकेले में मिलना है, वन टू वन मिलना है, तो भैया वन टू वन मिलने का बहुत सीधा और सरल तरीका यह है कि जब हम पैदल चल रहे हैं तो आप हमारे साथ चलिए, आप हमसे मिलने आइएगा ऑफिस में तो 2 घंटा लगेगा, तो 2 घंटा हमारे साथ मिलने आने के बजाय, ऑफिस में आने के बजाय जब हम आपके पंचायत या आपके अगल बगल के पंचायत से गुजर रहे हैं तो आप हमारे साथ पैदल चलिएगा, तो 1/2 घंटा 1 घंटा जो बतियाना है बतिया लीजिए। यहाँ ऑफिस में बैठकर बात करने की कोई व्यवस्था व्यक्तिगत तौर पर नहीं है, किसी के लिए नहीं, आपके लिए भी नहीं है, दूसरे के लिए भी नहीं है, सबसे समूह में ही मिलते हैं। जिसको व्यक्तिगत मिलना है उसके पास 2 उपाय है, या तो आप हमारे साथ पदयात्रा में चलिए, 1/2 घंटा 20 मिनट 10 मिनट जो बात बतानी है, सीखनी है, समझना है, पूछना है, कर सकते हैं। दूसरा, ऐसे भी लड़के हैं जो बहुत डेडिकेटेड हैं, उनको रह के सीखना है, तो यहाँ कैंप में आपके रहने खाने की व्यवस्था है, जो लोग चाहे अपने जीवन से 2 दिन 3 दिन 4 दिन निकाल कर यहाँ रह सकते हैं, देख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। वही एक तरीका है मेरे साथ व्यक्तिगत तौर पर समय बिताने का, क्योंकि हम खुद जब 12 घंटा रोज चल रहे हैं तो व्यक्तिगत तौर पर आपसे अलग अलग ऑफिस में बैठकर नहीं मिल सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। मोटे तौर पर